नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव 24 इंडिया न्यूज में और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। ग्राम रक्षा दल के सदस्यों के बीच बांटा गया कंबल, टॉर्च, डंडा। जी हां, मधुबनी जिला के बिस्फी के ओसीओपी थाना क्षेत्र के वर्तमान में कार्यरत ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को कंबल, टॉर्च, सीटी, डंडा का वितरण किया गया। जिलानी हीरो एजेंसी खैरी बांका परिसर में आयोजित कार्यक्रम में डीएसपी पुष्कर कुमार के द्वारा सभी को सम्मान भेंट किया गया। सम्मान वितरण जिलानी हीरो एजेंसी के सौजन्य से किया गया। डीएसपी ने कहा कि ग्राम रक्षा दल का काम समाज की भलाई के लिए दी गई है। इस मौके पर युवा सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ जिलानी अंबर ने कहा कि सदस्यों की मदद के लिए आम लोगों को भी आगे आना चाहिए और ग्राम रक्षा दल के लोगों पर सरकार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। वेतनमान को लेकर सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। इस मौके पर ओसीओपी प्रभारी कुणाल कुमार, बिस्फी थाना अध्यक्ष उमेश कुमार पासवान, तकी हैदर जिलानी, मोहम्मद मऊदीन जाब के बेचन यादव, मोहम्मद सिराज सहित अन्य लोग ने भाग लिया। वहीं ग्राम रक्षा दल के इस तरह के उपहार मिलने के बाद 11 सदस्यों ने खुशी के घर गए। मधुबनी से हमारे संवाददाता राकेश कुमार यादव की रिपोर्ट। ये था भी कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए लगातार बने रहिए लाइव 24 इंडिया न्यूज के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपके द्वारा जो ग्राम रक्षा दल को कई सामान वितरण किया गया है, जिसमें बताइए हमको, इसमें बताइए कि जो है ये जो सामग्री वितरण किया गया है इससे क्या मतलब ग्राम रक्षा दलों को जो है फायदा होगा? ग्राम रक्षा दल को कुछ था नहीं, सब ठंडा है। ठंडा तो अभी फिर भी पड़ गया, फिर दोबारा ठंडा लौट के आ गया, इसलिए कंबल, डंटा भी नहीं था। सीटी जो मारेगा तब ना लोग उठेगा रात में, इसलिए सिटी का बंटवारा, कंबल, टॉर्च भी नहीं था, तो उसको सहूलत होगा तो फिर गांव में हर जगह घूमेगा। सरकार के द्वारा उनको भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है? सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है तो हम लोग जो है आवाज उठाएंगे इसके, इसमें रक्षा दल के, इसमें कि नहीं भाई जो है रक्षा दल को भी जो है एक अंग माना जाए और इसको जो है कुछ वेतन जो है किया जाए, जो वेतन मिले इनको